زوجته اعتقد، وبالرغم من ذلك هو حضر اللايف وبيقدم اللايف in spite of having a big tragedy yesterday in his home, شبير كومار هوم. He is available with us inshallah now to join the life as he many people said the show must go on. As Raj Kapoor said, the show must go on. So Shabir Kumar हमारे साथ है, उनके पास कुछ ट्रेजडी हुई थी कल, उनके बावजूद शबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी कुछ सेकंड के अंदर आ जाएंगे हमारे लाइफ में. आई विल जॉइन विद हिम नाउ. अस्सलाम वालेकुम हमद रियाम साहब. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह. शबीर साहब कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ आपकी दुआ से. जी कुछ तो मैं पब्लिक से मुखातिब हो सकता हूँ, आवाम से? या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आपकी पब्लिक है. तो हम आपकी जानिब से इस वक्त सारी दुनिया में मुझे देखने वाले, सुनने वाले, मेरे चाहने वाले तमाम सामाइन को, तमाम कदरदानों को शब्बीर कुमार का आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और बहुत सारा प्यार. जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेरे यहाँ परसों एक ट्रेजेडी हो गई है. हमारी यंग साली साहिबा का इंतकाल हो गया अचानक. उस वक्त मैं सफर में था और तकरीबन 18-20 घंटे का सफर करके मैं कल रात में लौटा हूं और आज मेरी अम्मी की 6वीं बरसी है. आज मेरी अम्मी की बरसी है, उनके इंतकाल में 6 साल आज कंप्लीट हुए. तो मैं दुनिया के तमाम उन औलादों के लिए दुआ करना चाहूंगा कि जिनके वालदेन जिंदा हैं उनका साया उनके सर पर सलामत रहे. तो मैं सलामती की दुआ देते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं. इजाजत है. इजाजत है. हमारी दुआ सिर्फ आसरा है तेरा इलाही तू सुन ले हमारी दुआ. हमें सिर्फ आसरा है तेरा तेरी रहमतें राह रोशन करें सलामत रहे साया माँ बाप का इलाही सुन हमारी दुआ. हमें सिर्फ आसरा है तेरा राह रोशन करें सलामत रहे सारा माँ बाप का. आमीन आमीन आमीन. वाह शबीर साहब आपने मुझे बहुत ही पीछे लेके गए. वो जमाना जो खूबसूरत जमाना था 80s का, यही आवाज थी हमारे कानों में जो गूंजती थी और हमारे जो जिंदगी में जहां भी हम जाते थे यही आवाज सुनते थे कहीं भी, चाहे वो सिनेमा घर हो, रेस्टोरेंट्स हो या फिर कहीं भी किसी के घर में भी. माशाल्लाह. ओके या शबीर साहब, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू. कोई बात नहीं. अब ओके शबीर साहब, कई लोग पूछते हैं मुझे शबीर कुमार. मैं कहता हूं शबीर कुमार शबीर शेख है, शबीर शेख. तो आपका जो जर्नी है बचपन से लेके
जब आप छोटे थे, हॉस्टल में पढ़ते थे और आपके वालिद आपको हॉस्टल में लेके जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, और आप 14 साल की उम्र जी में वहां से आपका वो जज्बा शुरू हो गया गाने का। और मुझे कुछ ऐसी कुछ जानकारी है, एक गाना है मैं आपको सुनाऊंगा और आप मुझे वो गाने के बारे में कुछ बताइएगा। कौन से गाने के बारे में आपको, आप ये किस गाने के मुताबिक पूछना चाहते हैं? गाना जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, आप तो मुझे माजी में ले गए, मेरे माजी में, मेरे भूतकाल जी में, पास कर गए आप मुझे। मेरे वालिद साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अफसर रहे हैं और बहुत नेक दिल, ईमानदार इंसान और ऑनेस्ट ऑफिसर थे, जिनकी ऑनेस्टी पर गुजरात गवर्नमेंट ने मेरे वालिद साहब को ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट दिया, ईमानदार ईमानदार ऑफिसर का, और वहां के अखबारों के अंदर उनका नाम आया था। तो वो उनकी जहां पोस्टिंग होती थी मेरे वालिद साहब की, तो वहां वो पूरा इलाका नॉन मुस्लिम्स और गांव गांव देहात था, और हम सब छोटे छोटे थे। मैं कुछ 7 साल का था, मेरी बहन थी बड़ी, 9 साल की थी। तो क्या है कि गांव के लोग रात में चौराहे पर बैठते थे और बस के वो शेख साहब साहब के बच्चों को जरा बुला लीजिए, कुछ गाने सुनते उनसे, तो हमें बुला लेते थे वो ऊपर, और वहां पर कुछ गाने हम गुनगुनाया करते। तो ये गाना उस जमाने का है जब मैं 7 साल का था और मेरी बहन, बड़ी बहन 9 साल की थी। तो हम गाना गाते थे, तो वहां तो क्या है कि आम वगैरह बहुत होते थे, तो उनके नौकरों से आम भर भर के हमें मेरे घर भेजते थे। आम है, माशा अचार है, पापड़ है बच्चों को, तो वो इस तरह के, तो ये वो याद है, तो क्या बात है। बहुत खूबसूरत याद है आपने दिला दी जी। और रहा आपके एक सवाल का जवाब कि मेरा नाम क्या है, तो क्या है, अव्वल तो के कलाकार जो होते हैं, फनकार जो अवाम की अमानत होते हैं, समझे ना, तो उनको किसी उसमें दायरे में बांधा नहीं जाता। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब मैंने प्लेबैक सिंगर, तो क्या मैं सिंगर बनने का भी नहीं सोचा था, आप यकीन कीजिए। देखिए, मुझे बचपन से ड्राइंग का शौक था और मैं चाहता था कि मैं ड्राइंग में ही कुछ आगे बढ़ूं, तो मैं दिन भर ड्राइंग करता था, और कुछ पॉकेट मनी अर्निंग के लिए भी। तो कुछ लोग आते थे तो भाई उनकी छोटी फोटो देते थे मुझे कि इसको आप बना कर दीजिए, तो मैं शाम तक उनके उनका स्केच, उनका ड्राइंग करके उनको दे देता था ताकि शाम को मुझे पैसे मिले। तो मुझे एक ड्राइंग के कभी 2 रुपए मिलते थे, कभी 5 रुपए मिलते थे, और उस जमाने में 64 के जमाने में 2-5 रुपए भी बहुत माने रखते थे। सही बात है। तो उसके बाद उसी दरमियान कुछ फेस्टिवल हुआ करते थे हमारे शहर में, वडोदरा शहर में, जैसे गणेश उत्सव हुआ, फिर शिव जयंती हुआ। तो उस दरमियान वहां के जो लोकल ग्रुप हैं ऑर्केस्ट्रास, तो उनके शोज स्ट्रीट वाइज हुआ करते थे, स्ट्रीट वाइज होते थे गलियों गली में। तो हम लोग, मैं और मेरे दोस्त लोग, शाम को फुर्सत पाकर किसी अच्छे ग्रुप को, तो वहां गुजरात के 2 माने हुए ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे, एक महेश कुमार एंड पार्टी और दूसरी ओपेरा म्यूजिक सर्कल हमारे बड़ौदा की, वो सबसे गुजरात में मतलब नंबर 1 थी। तो हम अक्सर ये देखते थे कि आज ओपेरा म्यूजिक सर्कल जो है उसके म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छे थे और सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे। तो मैं पब्लिक में खड़ा होकर उस ग्रुप को सुनने जाता था, मोहल्ले में जहां भी शो होता था, हम, मैं और मेरे दोस्त और जो भी सिंगर वहां गाते थे, उस शो में, उस माशरे में हर तबके के लोग, हर मजहब के लोग आते थे सुनने के लिए, और कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई होता नहीं था। और जो फनकार उनको अच्छा लगता था, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो वो जो अच्छा लगता था तो उसको दिल खोल कर सभी लोग
तो आज तो काफी मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं। लेकिन उस जमाने में मैंने देखा कि यार कमाल है कि सुनकार को हर कौम के लोग, जो अच्छा लगता है, जो दिल को भाता है, उसको हर कौम के लोग, हर छोटा बड़ा इंसान दिल खोल के उसको दाद देता था। तो ये सही बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि फनकार, अच्छा फनकार सबके दिल में बसता है। तो जब मुझे पे गाने का मौका मिला, मैं 1967 में मैंने अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम बड़ौदा, अपने शहर बड़ौदा गुजरात से शुरू किया, और ओपेरा म्यूजिक सर्कल से ही मैंने शुरू किया। और पहला मेरा गाना जो था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, सही एक ही बात गाना है। दे, तो वो एक गाना मेरा होता था, आखिर में आता था, प्रोग्राम खत्म होने के आखिर में मुझे वो मौका मिलता था। तो मैं 2 घंटा पीछे ऐसा बैठा रहता था, सुनता रहता कि कब मेरी बारी आती है। और जब मेरी बारी के लिए आवाज लगाई मुझे, कि भाई अरे भाई आपका क्या नाम है, तो सब कुछ सोचा नहीं था, लेकिन सडनली मेरे मुंह से निकल गया शब्बीर कुमार, क्योंकि मेरे मंजर देखा था कि यार फनकार सबका होता है। तो वो तब से मेरा नाम शब्बीर कुमार चल रहा है। और एक फंक्शन में दिलीप साहब के साथ में था, तो दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि बड़ा अजीब गरीब नाम है आपका, बड़े बड़ा शब्बीर कुमार, बड़ा अजीब गरीब नाम है, बहुत अच्छा नाम है। क्योंकि मैंने तो पूरा नाम बदल लिया, दिलीप कुमार, लेकिन आपने शब्बीर के साथ कुमार लगाया। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में शब्बीर कुमार नाम का एक ही शख्स है, और वो हूं मैं। सही तो बात है, ये हिस्ट्री है साहब। सही बात है। हमद साहब, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अर्ज किया था कि मैं काफी लंबा सफर करके आया हूँ, 18 घंटे नॉन स्टॉप मैंने सफर किया है, और खुले मैदान में प्रोग्राम भी किया, उसके बाद ये आया तो ये ट्रेजेडी हुई। और काफी रात, कल रात भर में सोया, कल रात में आया मिडनाइट, और रात भर सोया भी नहीं हूँ, और थका हुआ भी हूं मैं। तो आज आपके इस इंटरव्यू के सफर के दौरान में मेरे से कुछ गाने में या बोलने में कुछ गलती हो जाए या खराश आ जाए, तो आप और मेरे सभी सुनने वाले सामाईन, सभी चाहने वाले, मेरे कदरदान संगीत प्रेमी से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे माफ कीजिएगा मेरी इस गलती बहरहाल को। ना, कोई गलती नहीं होगी क्योंकि आप रूबरू हमारे से हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है इस ट्रेजेडी के बावजूद। शब्बीर साहब, शुरू शुरू से हम जब शुरू हुए थे कुछ 400 या 500 के 500 के आसपास लोग जुड़े, अभी हमारे पास 1,000 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो माशाल्लाह, हमारे साथ हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे था, नमोशी चक्रपोर्टी जो मिथुन चक्रपोर्टी के बेटे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए और बोल रहे अच्छा हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे बाप के लिए अच्छा कुछ गाना गाए, मिथुन दा, आपके जो मिथुन बहुत दास के ही, लिए, जी, कितने गाने गाए आपने मिथुन मिथुन दास के दा लिए के मैंने लिए? बहुत से गाने गाए हैं, और मिथुन दास के साहबजादे, उनके सन फरमाइश कर रहे हैं, तो उनका गाने गाने से पहले मैं 2 लाइन आपके आपको अर्ज करते हुए कहना चाहूंगा कि हम ठीक बाकायदा है, इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, तो 2 लाइन मेरे तरफ से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आपके इंशाल्लाह जरिए मैं आवाम के सामने पेश कर रहा हूँ कि हम अब शुरू करने इंशाल्लाह जा रहे हैं बाकायदा। इंशाल्लाह। और इसके बाद मैं मिठुन दा का गाना पेश करता हूँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। शुरुआत में बिस्मिल्लाह से शुरुआत की जाती है ना, सही बात है। बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं। नाम मुझे खुदा लगता का है सोनी महवाल का गाना है। जी, बोल दो मीठे बोल। यस खुदा का ले जरा सबर शुरू कर बिस्मिल्लाह, नाम खुदा का ले जरा सबर शुरू कर बिस्मिल्लाह, भूल कहो या चांद सितारे
के दिलों के भेद आप खोलिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पहला जो साहब के बेटे की फरमाइश है, ये आपकी पिक्चर मिथुनदा के साथ, जी जी, जहां गुलशन कुमार मुशी के साथ थे, वो समझ में ना आ रही क्या वाकया था, आप वो वाकया बता के और कौन सा भी गाना गा लीजिएगा मिथुनदा के लिए। अहमद साहब, मैं इस फिल्म के गाने से मुझे एक बात याद आ गई कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। सही बात है। तो कभी मैंने इस पे गौर नहीं किया नेपोटिज्म ग्रुपिज्म के लिए, लेकिन ये टी सीरीज की पहली फिल्म है। इस कंपनी ने जब ये कंपनी लॉन्च हुई तो उनकी सबसे पहली फिल्म प्यार झुकता नहीं थी और उनकी वेरी नेक्स्ट फिल्म, दूसरी फिल्म तेरी मेहरबानियां थी। और ये दो फिल्मों की म्यूजिक ने इतना जबरदस्त बिजनेस किया था कि पूरी टी सीरीज इन दो फिल्मों के म्यूजिक से खड़ी हुई। लेकिन इसका इनका एक फंक्शन था कुछ दो साल पहले 3 साल पहले मुझे भी इनविटेशन दिया गया था। टी सीरीज का फंक्शन था, मेरे ख्याल से 32 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो बहुत से सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर दीपिका से लेकर बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत से सिंगर्स वहां मौजूद थे और मुझे, मैं भी गया था। मैं उनके मालिक भूषण जी के पास गया, उनके सामने उनसे मिला भी, उन्होंने मुझे वेलकम कहा और प्रोग्राम शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे सभी लोग गा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा हक उस प्रोग्राम में मेरा बनता था पहला हक कि वो मुझे मौका देते कि भाई आपके गानों से हमारी टी सीरीज का शुभारंभ हुआ है और आज हम कामयाब हैं। तो वो मौका उन्होंने उस वक्त नहीं दिया, तो वो मेरे लिए पहली बार ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म का एक सवाल मेरे लिए मतलब सामना हुआ पहली बार। और उसके बाद तो कहीं अवार्ड फंक्शन में ये मैं सामना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी उसका मलाल जरा भी नहीं है, जरा भी रंज नहीं है कि मुझे कोई अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया नहीं जाता है। तो क्योंकि मैं ग्रुपिज्म में इस चीजों से बड़ा दूर हूं, क्योंकि मुझे अवाम का, सारी दुनिया के अवाम का बेपनाह प्यार मिला है। और मैं दिल से कहता हूँ कि इतने फिल्म इंडस्ट्री में मुझे आए हुए 39 ईयर्स कंप्लीट हो गए एज अ प्लेबैक सिंगर और अब तक लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और शोज के लिए बुलाते हैं। इन दोनों रिकॉर्डिंग में मैं कर रहा हूँ, गाने भी गा रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो बस ये पब्लिक का, अवाम का प्यार है। और इस नाते मैं अपनी अवाम को ये कहना चाहूंगा जो मिथुनदा के लिए मैंने गाया है, इसके जरिए मैं मेरे अवाम से मैं अपने दिल की बात कहना चाहूंगा कि मेरा और अवाम का क्या नाता है, मेरे चाहने वालों का क्या नाता है। तो ये मिथुनदा की फरमाइश के ऊपर मैं पेश कर रहा हूं। तुमसे मिलकर
याद आता है माय गॉड आज का अपना प्यार नहीं है आज का अपना प्यार नहीं है जन्मों का के लिए हम रोक देंगे यहां पर मर के भी कभी जो खत्म ना हो ये प्यार का अफसाना है मर के भी कभी जो खत्म ना हो ये प्यार का साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो ये जो गाना आपने गाया है ये एक ऐसा गाना है जो उम्र भर के लिए उम्र कैद है हमारे दिल में कभी भी हमारे दिल से नहीं निकलेगा। यही इसका हमारा नाता है इस गाने के साथ। ज्यादातर मैं और क्या कह सकता हूँ कि आपने जो बात छेड़ी है जो आपने ये फिल्म प्यार चुकता नहीं और फिल्म तेरी मेहरबानी है ये दोनों फिल्मों की जो क्या बोलते हैं उनकी सक्सेस का राज यही है कि वो आपकी आवाज थी आपके गाने थे जहां पूरे दोनों फिल्मों में छा गए चाहे वो फिल्म प्यार झुकता नहीं ये गाना या फिर तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले या फिर तेरी मेहरबानी आपका टाइटल सॉन्ग या फिर दिल बेकरार है ये आपके जो गाने हैं जिंदगी भर उम्र भर के लिए सदाबहार रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया जजाकल्ला।
आपकी ये जो जोड़ी है मिथुन दा के साथ बहुत बड़ी जोड़ी थी, आपका दूसरा एक्टर जो जिनके साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनी थी वो ये एक्टर है जहां आपकी आप उनकी फोटो देख सकते हैं हमारे साथ। ये एक फिल्म लॉन्च थी और ये फिल्म के जो गाने थे क्या गाने, जी जी जी, सनी देओल के साथ विजेता फिल्म की विजेता और पंचम दा का म्यूजिक और सनी देओल की पहली फिल्म। और इस फिल्म में मुझे पहली बार द ग्रेट पंचम दा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनकी सुनहरी और प्यारी और कीमती कंपोजिशंस मुझे इस फिल्म के जरिए गाने को मिली। और सबसे बड़ा तोहफा मेरी जिंदगी का, मैं मानता हूँ सबसे बड़े तोहफों में ये तोहफा है कि मुझे लता जी, लता दीदी, लता मंगेशकर, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कीमती धरोहर है और जिनके गले में वाकई कहते हैं कि माँ सरस्वती का वास है, तो लता दीदी ने मेरे साथ इस फिल्म में पहली बार गाया है, मैंने उनके साथ गाया। और उसके बाद मैंने दीदी के साथ रफी साहब और किशोर दा के बाद जितनी पीढ़ी आए गाने की, सिंगर्स आए, उन सबसे ज्यादा गाने मैंने लता दीदी के साथ गाए हैं। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल है जी। इसमें आपके बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। सनी देओल के साथ आपने शायद 16 अच्छे गाने गाए हैं इसके अंदर, पाप की दुनिया या वर्दी या फिर घायल या फिर फिल्म यतीम, लेकिन इस फिल्म के जो गाने हैं माशाल्लाह ऐसे गाने हैं जो अभी तक मुझको मेरे बाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं कोई ऐसा गाना सुनता हूँ, चाहे ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी या फिर आपका वो बेहतरीन गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया, जब हम जवां होंगे अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी या फिर बादल यूं गरजता है, ऐसा कोई गाना आप हमारे लिए पेश किया कर सकते हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेताब का। जब हम क्या लेते तो लीजिए, मैं आपकी फरमाइश आपकी नजर कर रहा हूँ। हालांकि ये गाना मैंने दीदी के साथ गाया है और दीदी की आवाज की रोशनी इस गाने में पड़ी और ये गाना अमर हो गया। तो ये दुगाना है लेकिन मैं यहाँ फरमाइश पर सोर कर रहा हूँ। जाने कहाँ होंगे लेकिन जाओगे वहां पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवान होंगे। Thank you.
जब से तेरे बातें जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जाओगे वहाँ पर याद करेंगे याद करेंगे जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे वाह या अल्लाह वाह वाह शब्बीर साहब वाह ये गाना बरसों तक जीता रहेगा कभी भी नहीं मरेगा और सारे सारे जो अपने बच्चे भी हैं या अपने ग्रैंड सन्स भी हैं वो गुनगुनाते रहेंगे ये गाना हमेशा के लिए ये गाना सदाबहार के लिए जवान रहेगा जैसे आपकी जवानी यहाँ पे निखर के आ रही है हमारे सामने माशाल्लाह आप अभी तक हैंडसम हो और जवान भी हो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह शुक्रिया सब मेरे गाने बहुत से लोग मैं जाता हूँ शोज करने कई शहरों में और कई मुल्कों में जाता हूँ तो ऐसे 8-10 लोग मुझे जरूर मिलते हैं कि साहब ये हमारे कॉलेज के जमाने का गाना है और हमने कॉलेज में इन गानों को गा गा कर लड़कियां पटाई हैं और आज हमारे 2-4 बच्चों की माए हैं वो तो ये किस्से सुनने मिलते हैं तो ये बड़े अच्छा लगता है मुझे कि ये मेरी मेरे ख्याल से चौथी पीढ़ी मुझे सुन रही है और आज मैं चौथी पीढ़ी के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ लोग आज का जनरेशन मेरे गाने की फरमाइश करता है और वो ऐसे ऐसे गाने की फरमाइश करते हैं जो मुझे खुद को ताज्जुब होता है कि इनको वो गाने याद जो मुझे भी याद नहीं वो गानों मुझे वो आज की जनरेशन आज की पीढ़ी मुझे याद दिलाती है तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है क्या बात है वो तीसरे गाने की तरफ हम जाने से पहले वो भी एक बात है ये बेताब के बारे में जो आपके गाने हैं इस फिल्म के इसकी शायद 50% जो सक्सेस है फिल्म की वो आपके आवाज है और आपके गाने की वजह से वहां पे बेताब विला भी बना बेताब का जो एक विलेज है वो नाम पे या वो ये गाने की वजह से वो हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है वो या वो बहुत बड़ी बात है कि बेताब वैली उस वहां पर कायम हुई है जी और आपका जो सफर है एक बहुत बहुत ही बड़ा सफर है वो है इनके साथ ये जो बहुत खूबसूरत जोड़ी क्या बात है साहब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला जी अजीम उन्होंने आपको जी उन्होंने आपको ये ऑफर दिया था कुली और वो जो गाना था आपने उनके सामने गाया था मुबारक हो सबको हज का महीना न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना वो गाना जब 70 mm पर्दे पे जब आता था हम लोग कितना रोते थे सिनेमा के अंदर वो गाना सुन के यहाँ अरब लोग अबुधाबी में भी जब मैं इस फिल्म में जब गया था टिकट नहीं मिल रही थी ये फिल्म की मार धाड़ के जब गए हम सिनेमा ये गाना सुने सिनेमा पर्दे पर क्या गाना है भाई और ये गाना और कुली का हर कौन सा भी गाना था इसके अंदर जैसे कि सारी दुनिया का बोझ उठाते एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा या फिर वो गाना मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को लंबू जी बोलो टिंकू जी इतने अच्छे अच्छे गाने थे इस फिल्म के अंदर जी। तो हम ये फिल्म की तरफ आ गए और अमिताभ का जो आपके साथ जोड़ी थी इस गाने में और या चाहे मर्द है या चाहे वो आज का अर्जुन गोरी है कलाइयां तो आपकी नजर में कौन सा आपका बेहतरीन गाना है अमिताभ पे जो आपने गाया था सर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की तारीफ करना अब छोटा मोटा बड़ी बात हो जाती है लेकिन इस दौर के अजीम तरीन मौसिकार रहे हैं और मुझे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गाने का मौका दिया और भरपूर मुझे प्यार दिया अच्छी से अच्छी कंपोजिशन एक कंपोजर की कंपोजिशन जो होती है वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है नया बच्चा पैदा होता है और वो सिंगर को जब देते हैं तो उनके पीछे उनका जज्बा ये होता है कि भाई ये मेरे न्यू बॉर्न बेबी है ये मेरा कंपोजिशन है और ये मैं सिंगर को देता हूँ आप इसकी तालीम तरबियत ऐसी कीजिए कि बड़ाओ का खूब नाम उसका रोशन हो तो आप ऐसा गाइए कि इसका नाम रोशन तो इन्होंने मुझ पर इतना एतबार किया ये बहुत बड़ी बात है इनका कि महंगी मुश्किल से मुश्किल कंपोजिशन मुझ जैसे नाचीज पर एतबार करके दिया मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा साहब क्योंकि 39 ईयर्स के करियर में तकरीबन 40 साल कंप्लीट होना है फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं
जब मैं 1965 में, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था जब मैं पेंटिंग ड्राइंग करता था, तो मैं ड्राइंग आपको दिखाना चाहूंगा मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कुछ ड्राइंग मेरे सामने है, मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। दरमियान मैंने ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। अरे प्लेबैक सिंगर तो दूर की बात है, मैं मामूली सिंगर भी बन जाऊं ये भी मैंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। मैं आप सबके सामने आज हकीकत बयान कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप की नेकियां जो होती हैं, माँ बाप की अच्छाई है, माँ बाप की नेकियां, उनकी अच्छी तालीम तरबियत वो अपनी औलाद को पे करती है, तो उनका जजाय खैर अल्लाह ताला, माँ बाप की अच्छाइयों का जजाय खैर अल्लाह ताला उनके औलाद को देता है। तो मेरी वालदेन, मेरी वालदा है जो अम्मी जान, दीनी एतबार से वो इबादत नमाज रोजे में बहुत परहेजगार रही हैं, और खवातीन के मिलाद के लिए, खवातीन में जब मिलाद होती थी तो खुसूसन मेरी अम्मी जान को याद किया जाता था कि वो आए और मिलाद शरीफ पढ़े, और जब मिलाद पढ़ने के बाद जो नात और हम पढ़ती थी मेरी अम्मी जान तरन्नुम में, तो वहां जितनी मौजूदा खवातीन थे होती थी, जो भी सुनता था वो इतना जज्बाती होता था कि उनकी आंखें भर आती थी, और उनकी अच्छाइयां जो है, उनकी नेकियां हैं, वो बगैर मतलब किसी हदिया लिए बगैर ये नेक काम हमेशा करती रही मेरी अम्मी जान। और मेरे वालिद साहब के बारे में बताऊं कि इतने बड़े अफसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर, जिन्होंने जिंदगी में, हालांकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि आदमी चाहे तो चंद सालों में उनके उनके लेवल के लोग, उनके बराबरी के लोग जो कुलीग थे, तो उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो भी अफसर थे उनके दोस्त, उन्होंने जमीनें खरीद ली, वो अपना फार्मर बन गए, किसान बन गए, खेडूत बन गए, और बंगले वर्ग खरीद लिए शहर में। लेकिन मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने जिंदगी में एक पैसा रिश्वत नहीं ली। तो हमने बहुत स्ट्रगल का दौर देखा है, और उनकी नेकियां रही हैं, उन्होंने हमेशा हमको अच्छाई की, सच्चाई की राह दिखाई है। मेरी अम्मी को इस्लामिक नॉलेज के अलावा, मेरे अम्मी अब्बा को नॉन मुस्लिम हिंदुइज्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, तो उन्होंने हमेशा हमको सिखाया कि बेटा बच्चों, हर मजहब का एहतराम कीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर मजहब का एहतराम करें, और अच्छी राह दिखाई, सच्चाई की राह दिखाई। तो उसी की बदौलत है कि उनकी अच्छाइयों की वजह से आज मैं प्लेबैक सिंगर बना, वरना मैं सिर्फ ड्राइंग के अंदर, इसी तस्वुर में था कि मैं ड्राइंग के अंदर पेंटिंग में कुछ आगे बन चल के कुछ करूंगा, लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर था, उनकी अच्छाइयों की वजह से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, आप यकीन कीजिए, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बल्कि मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा कि रफी साहब के आखिरी सफर के दौरान मैं उनका दीदार करने के लिए बड़ौदा से 8-6 घंटे की ट्रेन की सफर करके बांद्रा आया था, बॉम्बे आया था। उस वक्त हम जब उतरे यहां पर, बॉम्बे उतरे, तो हमको अंदाजा लग गया था कि रफी साहब को जुमा की नमाज के दो नमाज के बाद 2 बजे उनको ले जाया जाएगा, उनका आखिरी सफर होगा और उनको दफना दिया होगा, मिट्टी सुपुर्द खाक कर दिया होगा। फिर भी हमने सोचा कि हम शाम को भी जाएंगे वहां, जाकर कब्रिस्तान में जाकर फूल चढ़ाएंगे, फातिहा पढ़ के आ जाएंगे। तो मैं और मेरे दोस्त, हम लोग वहां से बड़ौदा गुजरात से चले बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे या बांद्रा मस्जिद, अखबार में पढ़ा था कि बांद्रा मस्जिद के पास से जो उनका जनाजा लिया जाएगा, तो बांद्रा मस्जिद में आए तो जबरदस्त बारिश हो रही थी, यानी आसमान भी रो रहा था, इतनी बारिश हो रही थी। और हम जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो दुनिया भर का हुजूम था और पैरों के टखनी तक पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां हाजिर थे। और वहां जाकर मुझे ये है कि बॉम्बे में रहने वाले हजारों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक थे, उनको कांधा नसीब नहीं हुआ, लेकिन मुझे आखिरी वक्त पे उनके पैरों को छूने का और पैरों को छूकर कब्र में उतारने का मौका मुझे मिला है। और ये बहुत अच्छी चीज है, उसके जरिए आपने पढ़ा होगा, बहुत से मेरे सामाइन ने पढ़ा होगा कि मेरी पेन और घड़ी दफन है, तो मैं कभी सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन
उसके बाद वहां से हम लोग बड़ौदा गए और फिर जाके हमारा क्या है कि दिन में मैं ड्राइंग करके रात में उसके बाद जितना भी वक्त मिलता था रफी साहब के नगमे सुनना, रफी साहब का जिक्र करना, रफी साहब के गानों का भी, रफी साहब ने ये लाइन ऐसी गाई, ये लाइन ऐसी कही, तो हम हमारी हमारे बस यही यही दिनचर्या रहती थी हम रोजमर्रा की बातें। तो उस वक्त हमने सोचा कि यार रफी साहब के बाद अब कौन दावेदार है उनकी जगह का। तो हम दोस्त लोग, तीन चार दोस्त थे, हम सोचते थे कि यार, फिर मैंने सोचा, मेरी अपनी राय थी कि मेरे ख्याल से रफी साहब की जगह पर अब सुरेश वाडकर जी को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत होनहार गुलकार हैं और बहुत सीखे हुए हैं, तैयार गला है, बहुत सुरीले हैं, तो मेरे ख्याल से रफी साहब के बाद वही आएंगे, या महेंद्र कपूर साहब आ सकते पापा जी, क्योंकि वो भी बुलंद आवाज के मालिक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाकायदा ऑफिशियल रफी साहब के शागिद रहे हैं, उन्होंने गंडा रफी साहब से बंधवाया था। तो हमने उनकी उम्मीद की थी कि महेंद्र कपूर साहब आ सकते हैं, सुरेश वाडकर आ सकते हैं, महेंद्र कपूर आ सकते हैं, या लास्ट में अनवर साहब भी आ सकते हैं, क्योंकि उस दरमियान अनवर साहब ने कुछ चार पांच गाने गाए थे और उस गाने से रफी साहब की आवाज का एहसास होता था। तो मैंने कहा ये तीन में से कोई ना कोई दावेदार है, लेकिन जैसे मैंने आपको मेरे माँ बाप के बारे में बताया कि उनकी नेकियां, उनकी अच्छाइयां, उनकी ईमानदारी, तो उनकी ईमानदारी उस अच्छाइयों की वजह से मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मैं तो तीनों का सोच रहा था और मालिक ने, कुदरत ने मेरा कॉलर पकड़ा और उठा के सीधा रफी साहब की गद्दी में बिठा दिया। माशाल्लाह। तो ये माँ बाप की अच्छाइयां नेकियां हैं। हालांकि मैं कहता हूँ रफी साहब युगों में एक बार होते हैं। एक और बात, एक ख्याल दिमाग में आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मालिक ने सारी दुनिया बनाई, सारी कायनात बनाई, और हमको हमारे रोजमर्रा के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया भर की कीमती नेमतें हमें अता की, हमें अकले सलीम दिया कि हम आज चांद पे भी पहुंच गए, और बहुत सी तो यानी अल्लाह भगवान गॉड ईश्वर जो हम जिसको जिस नाम से पुकारते हैं, उन्होंने सोचा अब मैं क्या दूं। तो मैं और रफी साहब के बारे में अब जो कंपेयर कर रहा हूं मैं, कि मुझे रफी साहब की गद्दी में बिठाया गया, लेकिन मेरा और रफी साहब में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा। हालांकि ये मेरी अपनी सोच है, मैं सोचते सोचते कि भाई मैं कैसे इसको बयान करूं। तो मालिक ने सब बनाया, फिर उसने सोचा मैं ऐसी एक नायक चीज दुनिया को देता हूं कि जिसको सुनकर लोग झूम उठेंगे। तो क्योंकि हम लोग मिट्टी के बने हैं, तो अल्लाह ताला ने मिट्टी ली और सब हाथ से करके एक शेप दिया, रफी साहब सा शेप दिया, उनको रफी साहब का नाम दिया, उनके गले में अपनी आवाज का नूर देकर उनको जमीन पे उतारा, रफी साहब को, सुभानअल्लाह, रफी साहब को जमीन पे उतारा, और जो मिट्टी जिस जो हाथ में लगी थी उसकी डस्ट, उसको ऐसे झटका उन्होंने, तो उसमें से कोई शब्बीर कुमार निकला तो कोई क्या। तो हमारे रफी साहब में ये फर्क है साहब, कि रफी साहब है, हदा जी है, आशा जी है, ये सदियों में एक बार होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, क्या वस्फ है, ये अच्छी है, अल्लाह माँ बाप की अच्छाई है कि इन्होंने इतना बड़ा मुझे मुकाम हासिल किया दिया, इतना बड़ा मुकाम दिया, और आज थोड़ी सारी दुनिया जहान के लोग मुझे चाहते हैं, प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हीं की बदौलत हूँ मैं उसके बाद। जी आपकी जो बात आपने जो कही है, जो मिसाल आपने दी है, वो मिसाल सिर्फ पेंटर ही देता है। आप पेंटिंग करते हो, आप पेंटर की तरह वो वस्फ आपने पूरा बताया है जो मोहम्मद रफी का है और डस्ट का, और यहाँ से शब्बीर कुमार निकले, यहाँ वगैरह निकले वगैरह निकले, ये आप, ये आर्टिस्ट ही बोल सकता है जो आपके अंदर है, और आर्टिस्ट वो है जो शब्बीर कुमार है, जो जहां तक ये मुकाम हासिल किया है। तो हमारा मेरे अपनी कुछ ड्राइंग दिखाना चाहूंगा मैं, प्लीज। ये रवि साहब हज पे गए थे तब की ड्राइंग। ओ माशा अल्लाह, वाह, दिस इज द ड्राइंग बाय शब्बीर कुमार। هذا رسمة شبير كومار يا جماعة الخير. He it is exclusive. It's first time I know that شبير كومار he's also painter. ما شاء الله. كيا بات ہے. واه واه. ما شاء الله.
मोहम्मद रफी, कितना यहाँ पे डिटेल्स में आपने उनकी मुस्कुराहट को कितना अच्छी तरह से निखारा है, माशाल्लाह। शुक्रिया। वाह वाह। अरे ये जो बीच में है उषा खन्ना जी, हमारे हिंदुस्तान की ओके सबसे पहली लेडीज और कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना जी। यस ऑफ कोर्स। और उनके साथ किशोर दा है रफी साहब, इन्होंने मुझे सबसे बड़ा मौका, सबसे पहला मौका मुझे उषा खन्ना जी ने दिया या फिल्म तजुर्बा में। और आपने जब गाना गाया उनके लिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उनकी आपने मोहम्मद रफी की याद दिला दी, उन्हें आपने मोहम्मद रफी की याद दिला दी, माशाल्लाह। ये तो क्या बात है, वाह माशाल्लाह। शुभ रस्मात, माशाल्लाह। यू आर आर्टिस्ट, यू आर रियल आर्टिस्ट शब्बीर जी, माशाल्लाह। शुक्रिया। और अब ये देखें आप, दिखाए। अरे सी इज द कोयल ऑफ इंडिया, इंडिया की कोयल लता मंगेशकर जी, माशाल्लाह। आपने उनको सही तरीके से निखारा है। मैं इस तस्वीर के कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं कई साल से दीदी से मिल नहीं पाया क्योंकि वो मुलाकात नहीं हो पाया, उनके दर्शन नहीं कर पाया। और कई साल से एक दिल में मेरी बात दबी है, जो मैंने सोचा था कि मैं रूबरू लता जी पास जाकर उनके कान में जाकर उनको कहूंगा खुद, मैं उनको रूबरू कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी मौका भी नहीं मिल रहा है। ये ड्राइंग भी मैंने अभी इनके बर्थडे पे बनाई थी और मैंने सोचा कि उनको जाके मैं दूंगा। मैं देने भी गया उनके बंगले पर वहां पर प्रभु कुंज पेडर रोड पर, लेकिन क्योंकि ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से वो किसी से मिलती जुलती नहीं और नहीं मिलना चाहिए, तो मैं वहां से मार्च छोटा। और जो बात मुझे कहनी थी वो मैं आज आपके जरिए मैं लता दीदी को अपनी बात, अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। प्लीज। कि अगर मैं लता मंगेशकर होता उनकी जगह पे, अगर मैं लता मंगेशकर की जगह पे होता तो किसी शब्बीर कुमार के साथ गाना नहीं गाता। क्या बात है शब्बीर कुमार की। तो ये बात आज दीदी तक पहुंची है, बस ये मेरी खुशनसीबी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। आपकी ड्राइंग बेमिसाल है और आप में वो फनकार जो छुपा है ड्राइंग में दिखाई दिया आज मुझे और सब लोग को यहाँ पर, जो जाना चाहते थे ये आप हमने हमें दिखा दिया। ये बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आप मेरे लाइफ में ये आपने मुझे दिखाया। मैं बहुत आपका आभारी और शुक्रगुजार हूँ। तो शब्बीर साहब, एक याद है, एक मेमोरीज में आपसे थोड़ा जुड़ाना चाहता हूँ। एक बार आप 80s में दुबई आए थे एक शो करने के लिए अल नसर लेजर लैंड में, मेरे ख्याल से जितेंद्र के साथ, वो टाइम जितेंद्र के साथ आपने एक कुछ शो किया था। और पता नहीं, मुझे धुंधला धुंधला याद है क्योंकि मैं बच्चा था उस टाइम में। एक गाना था राज खन्ना का, छुप गए सारे नजारे ओ क्या बात हो गई। तो जब वो सिंगर गाना गा रही थी, बोल रही थी छुप गए सारे नजारे ओ क्या बात हो गई, फिर आपने उनको जवाब दिया क्योंकि इसने मुझको लगाया दिन में रात हो गई। मुझे अभी तक वो याद है आपका स्टाइल और आप वो माशाल्लाह स्टेज में हंगामा करते हो माशाल्लाह हर बार। जी अभी तो क्या है कि मैं आपको नजर आ रहा हूँ इसलिए कि मैंने मुंह पे लीपा पोती की है, वरना मैं इतना काला हूँ नहीं नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि तूने मुझको लगाया, मेरा काजल की तरह काला हूं मैं, मुझको लगाया तो वो शरारत, इतना शरारती मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ लेकिन स्टेज पे शरारत कर लेता हूँ। सही बात है। तो कुछ हो जाए वो कोहली का, जो हम लोग कोहली के बारे में बोल रहे थे, यहाँ पर बहुत फरमाइश है कोहली के गाने के लिए, अगर कौन सा भी गाना आपको याद हो। ए माइनर कैसा रहेगा,
लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की कंपोजिशन, पहली कंपोजिशन मैंने गाई थी ये, और ये भी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार, फिल्म हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि मुझे लेकर तकरीबन 160-170 ऑर्केस्ट्रा के साथ मेरा वॉइस टेस्ट लिया गया, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना में, और 25 सीनियर कोरस जो रफी साहब से लेकर लता जी और किशोरदा इन सबके साथ गा चुके हैं, वो सारे सिंगर्स मेरे पीछे खड़े थे और उनके सामने मेरा वॉइस ट्रायल लिया गया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद 70 mm में मेरे गाने को सुना गया कि ये ऐसे तो अच्छा लग रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद इसकी वॉइस कैसी लगती है, तो 70 mm स्क्रीन पे सुना कि भी अमिताभ जी के लिए आवाज है, अमिताभ को प्लेबैक दिया तो आवाज, तो लक्ष्मी जी ने मुझे बाद में बताया कि तेरी आवाज और तू डिमांड में इसलिए है कि तेरी आवाज से 70 mm का पूरा स्क्रीन पूरा भर के आता है तेरी आवाज, ऐसा नहीं कि बाकी कई सिंगर्स हैं उनके आधे स्क्रीन में से वॉइस आती है आधा एम्प्टी लगता है, लेकिन तेरी आवाज 70 mm में से पूरे स्क्रीन में से भर के आती है। तो इस तरह मुझे इसके सारे कुली के सारे गाने बजे, पहले गाने के बाद सारे गाने दिए, उसके बाद ये फिल्मी सफर हुआ जिसके मैं 40 साल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो लीजिए आपकी फरमाइश आपके लिए पेश कर रहा हूँ। नजर रोज़े मुस्तफा ढूंढती है, दया रसूल खुदा ढूंढती है, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मदीने वाले से तेरा सलाम, तेरा मदीने वाले से तेरा सलाम, पटा मेरे गम से समंदर कभी सीना, वहाँ कोई छोटा है कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर सब में खड़ा है, वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर सब में खड़ा है, मोहम्मद की चौहट जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौहट जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना उसी पर जीना, उसी का है मरना उसी पर जीना, माशाल्लाह। आपने अभी मदीना और मक्का अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है, सब जा सकते हैं, और ये एक तस्वीर है आपकी मदीना में, ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी, ये मेरी बेगम साहिबा हैं, ये मेरी शरीक हयात है साथ में, शरीक हयात माशाल्लाह यहाँ जी,
और जिनके कदमों से मेरी किस्मत में और चमक उठी और किस्मत में और इजाफा हो गया, तो इनके मुबारक कदम मेरे घर में आए हैं और मेरी पूरी फैमिली खिल उठी। वो ये सारी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इन जैसी शरीक हयात मुझे मिली, इन जैसी वाइफ मिली। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे हमेशा, तर आप ऐसा सदाबहार आप खुशकिस्मत रहे। शबीर साहब, मैं आपको एक छोटा ब्रेक दूंगा, हमारी तरफ से ये एक अरबी कहवा है, हम अच्छा इसको दल्ला बोलते हैं और इसको फिंजान बोलते हैं, और ये जो कहवा है, जो कॉफी है, अरबिक कॉफी, हमारा जो ट्रेडिशन है, जब हमारे घर में कोई आता है हम उनको उनको ये पेश करते हैं, यहाँ क्वार्टर डालते हैं इसके अंदर, पूरा नहीं, क्वार्टर ना जी। अच्छा जी, आप जब पीते हो अगर आपको पसंद है तो आप ऐसा हाथ देते हो ताकि आपको और चाहिए। जी, जी, ये पकड़ लो आप, ये आपके लिए। अगर अगर आप पी लिए और आपको बस और नहीं चाहिए तो आप ऐसा हिलाते हो फिंजान को, इसका मतलब आपको नहीं चाहिए, जैसे कि मुंडी हिलती है वैसा ये हिलता है आपके हाथ से, तो ये हमको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब आपको नहीं चाहिए और ज्यादा, ये हमारा ट्रेडिशन है। और गहवे के साथ हम एक मीठा भी पेश करते हैं, उसका नाम है गेमात। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इंडिया में, लड्डू या वगैरह नहीं, ये हमारा लड्डू है, इसका नाम है गेमात। अच्छा, अरबिक स्वीट। अच्छा जी, गेमात, गेमात या आज हमने घर में ये मखसूस बनाया आपको दिखाने के लिए। क्या बात है, आप यहाँ होते तो मैं आपको पेश खिदमत ये करता था। कहते ना कि जहाँ इंसान, जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहां इंसान पहुंच जाता है, जहाँ आपके यहाँ का दाना पानी लिखा होगा तो इंशाल्लाह मैं आपके अबू धाबी आकर वहां आकर खाकर जाऊंगा मैं आपके यहाँ। जरूर मैं लाऊंगा साथ में भी अगर इंडिया आया तो। तो शबीर साहब, कुछ ऐसे अगर मैं गाने आप अगर पेश करना चाहते हो, जैसे थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी के अल्फाज ताकि टाइम का मामला नहीं हो जाए हमारे साथ। यहाँ कुछ एक्टर्स है जैसे कि अनिल कपूर के साथ आपने वो 7 दिन में अच्छे गाने गाए थे, या फिर फिल्म जो था मेरी जंग, मेरी जंग, वाह, और चांद छुपता है सूरज निकलता है, और नए साल में जब हम भी नए साल जब मनाते हैं आपका ही गाना सुनते हैं कहीं जगह पे। अच्छा। वही जो आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का पहला जाम आपके नाम, आप वो गाना हर बार सुनते हैं हर नए साल में आपके गाने। तो अनिल कपूर के साथ आपकी जो जोड़ी भी अच्छी बनी थी थोड़ी थोड़ी, कई फिल्मों में आपने गाने गाए उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी, अनिल कपूर के लिए मैंने बहुत सारे, उनकी पहली फिल्म वो 7 दिन से लेकर मैंने बहुत सारे उनके लिए गाने गाए। तो सत्य है।
ये बात मैं अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला से मुखातिब हूँ, उसके बाद अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से और मेरे सभी चाहने वालों की दुआ हो कि बदौलत ये लाइन में उन सबसे मुखातिब होकर गा रहा हूँ। जीवन में बिखरा सके रफी साहब से भी मुका दूंगा, मेरा सब कुछ तेरी है, मेरे मन के मेरा सब कुछ तेरी है, मेरे मन के मेरा तस्वीर तू मेरा वाह क्या गाना है, क्या उम्दा गाना है माशाल्लाह आपने ये। और क्या करूं मैं, आप यहाँ मैं बैठा हूँ लेकिन मेरी जो जहन है और मेरा जो दिल है 80s की तरफ चले गया, अभी मेरा बचपन की तरफ। यहाँ पर एक नोक झोंक है आपका और जैकी श्रॉफ के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ भी आपका बहुत अच्छी जोड़ी बनी थी, अच्छे गाने भी गाए उनके साथ आपने। यहाँ एक वीडियो है मेरे पास, पता नहीं वो कहाँ गया है, यहाँ था, हाँ ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका और जैकी श्रॉफ का। ये यस ये जो मोहम्मद रफी फाउंडेशन, मोहम्मद रफी फाउंडेशन की बुनियाद डली गई थी, तो ये होटल हॉलिडे इन वहां पर ये फंक्शन रखा गया था, तो ये वहां की याद है जी। क्या बात है। और जेकी दादा की जेकी श्रॉफ के लिए मैंने बहुत गाने गाए हैं, बहुत गाने गाए और वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बेटे को भी बहुत चाहते हैं, मेरा बेटा है ने उनकी फिल्म के लिए म्यूजिक भी दिया है। वाह। मेरा बेटा दिलशाद जो खुद अभी सोलो म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और बड़े 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 गुलकार को उन्होंने गवाया है, अरिजीत को, सुखविंदर सिंह को, सोनू निगम जी को, और काम कर रहे हैं। बस आप सबकी दुआएं चाहिए ताकि वो भी आपकी खिदमत पे आ सके जी। फरमाइए। तो जैकी दादा का ऐसा कोई गाना अगर कुछ दो लाइंस आप गाएंगे, उनके बाद एक और एक एक्टर है। Thank you.
दिल बेकरार का, दिल बेकरार, दिल बेकरार का, दिल बेकरार है, पासे दूर फिर भी तो तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, क्या बात है। बात नहीं समझ में अब भी आती नहीं, ओ वाह, क्या गाना है, क्या उम्दा गाना है। शब्बीर जी, बहुत गाने हैं, बहुत ही स्टार्स के साथ आपने गाने गा चुके हैं और बहुत ही म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आपने इतनी अच्छी जोड़ी बनाई है, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, या फिर उनके बाद जो आए AR रहमान भी, आपने उनके साथ भी काम किया है। यहाँ पर एक एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अमित साहब, मैं आपकी बात सुनते हुए और एक और बहुत प्यारे हमारे पसंदीदा हरदिल अजीज मोतीकार पप्पी लहरी साहब, जिनकी आज उनकी बर्थडे है, और उनका एक गाना मैं आपके सदमे में पेश करना चाहूंगा, क्या उनको डेडिकेट करते उनको बर्थडे विश करते हुए, जो मैंने गोविंदा के गाया था, प्रेम दीवानी। वेरी गुड, आपने गोविंदा का बात छेड़ दी तो वही बात हो गई, बहुत अच्छी बात है जी। अपना तुझे पहचान लिया है, वाह
तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, मैं पागल थे भी आवारा दिल तेरे मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, क्या जबरदस्त गाना है आपका, नाइटीज का शोला शबनम का बहुत ही जबरदस्त गाना है। मैंने कुछ दिन पहले चंकी पांडे के साथ गुफ्तगू की थी, यही लाइव सेशन भी किया था, उन्होंने कुछ कहा है आपके बारे में, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जी जी जरूर दिखाइए। ओके, योर बेस्ट फीमेल एंड मेल सिंगर। फीमेल मेल सिंगर मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी शब्बीर कुमार जी के साथ। इनफैक्ट शब्बीर कुमार ने मुझे मैसेज भेजा कि आपको शब्बीर कुमार होंगे। थैंक यू चैंकी, थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। वो बहुत ही खूबसूरत गाना था साजन, वाह क्या गाना था। तो उन्होंने कहा कि उनके बेहतरीन जो प्लेबैक सिंगर है वो है शब्बीर कुमार, क्योंकि उन्होंने पहला गाना आपका ही गाना गाया था आगे आगे। जी, जी, जी। या और हमारा यहाँ पर सफर अभी और दो चीज का है। एक मेरा मेरी फरमाइश अभी तक आप पूरी नहीं हुई है, उसके बाद कुछ अच्छा। लोग आपके चाहने वाले आपके लिए कुछ गुनगुनाएंगे, मैं वो दिखाऊंगा। इससे उनसे पहले मेरा एक एक छोटी सी फरमाइश है, छोटी या कुछ आप जो भी समझी गया, वो मेरे आइडल मेरे पीछे है यहाँ पे, वो है धर्मेंद्र, जो मेरे बचपन के आइडल है, और वो उनकी वजह से मैं फिल्म डायरेक्टर या फिल्म क्रिटिक बना, क्योंकि उनकी फिल्म देख देख के मैं जवान हुआ और उनके गाने सुन सुन के फिल्मों के, और आपके भी गाने उनके साथ पता कुछ 12 या 13 गाने माशाल्लाह आपने उनके साथ गाए हैं। कुछ ऐसी फोटो भी मैंने देखी है, पता नहीं ये कहाँ की थी फोटो, एयरप्लेन में धर्म जी के साथ, ये हम लोग एक यूएस कनाडा के टूर पर जा रहे थे इनके साथ, मैंने काफी टूरें की आपकी, गल्फ में भी मैं धर्म जी के साथ गल्फ में भी मैं आया था। या वो जो मैग्निफिसेंट 7 मैग्निफिसेंट 1992 में आप आए थे, वो शो में आया था, मैं आया था, मेरी उम्र 18 साल की थी, मैं सामने बैठ के वो शो देखा और आपको वहां पे देखा था। और यहाँ पे एक और दूसरी भी तस्वीर है आप धर्म जी के साथ, माशाल्लाह दोनों आप उनके साथ बैठ साथ में आते थे फोटोज में ज्यादातर, तो कुछ या कुछ ऐसी आपकी याद है उनके साथ, यादगार बातें, मेमोरीज, या ऐसा कुछ अच्छा गाना आप उनके लिए गाना पेश करना चाहते हो? वो आपके हसीन दो है क्या बोलिए देना की निगाहें
कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफी यहाँ आके जीते हुए जागते हुए गा रहे हैं हमारे सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी शब्बीर साहब, हम आपको कुछ आपके जो चहेते हैं यहाँ अरब लोग और कुछ मिडिल ईस्ट के और इंडिया के भी, आपके लिए कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ गाना चाहते हैं, मैं आपको वो पेश खिदमत करना चाहता हूँ यहाँ पे, और आपका जो फैसला रहेगा उनके बारे में वो भी सुनना चाहते हैं आपके आवाज से। जरूर। तो हमारे पहले गायक है वो कुवैत से है, उनका नाम है मुबारक। अच्छा जी, ठीक है। माय नेम इज मुबारक राशिद, आई एम फ्रॉम कुवैत। हम तो दिलों में रहते हैं, अपनी मौज में बहते हैं, हम नदियां के हैं दारे, बंजारे हम बंजारे, सारी दुनिया से न्यारे, सारी दुनिया से न्यारे, सारी दुनिया का बोझ हम उतारते हैं, लोग आते लोग जाते हैं, हम यहीं पे कड़े रह जाते हैं, पासा रक्स कर तेरा हुस्न मेरा ईश, दोनों है शबाब पर जाग उठा, दर्द दिल दर्द जिगर लिखा है तेरे दिल में तेरा ही नाम सलमा, तुझको सलाम सलमा, तू मोरनी जंगल की या जल पड़ी कोई, तू ऐसे चल रही है चल रहा है हर तरफ जादू, चांद छुपता है सूरज निकलता है मेरे मन मंदिर में, दिन रात तेरे नाम का दिया जलता है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है, दिल के कलम से हम तुम लिखेंगे प्यार मोहब्बत का ये फसाना, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की, and thanks to Mr. Hamid to give me this chance to sing for you, stay safe, thank you। Mubarak sahab, love you, आपने मैं बहुत बड़ा इनाम दे दिया मुझे, जीते रहो, खुश रहो मुबारक साहब, मुबारक। ये है आप, ये है आपके चाहिए, जो चाहने वाले आपके, माशाल्लाह सारे बोल आपके जो गाने हैं वो गा के सुना दिए। यहाँ पे एक याद नहीं है जी, शब्बीर साहब यहाँ पे एक और
नाजनीन है मोरक्को से, इनका नाम है रानी, मोरक्को कंट्री वहां से है, तो आपको सुनाता हूँ उनका कुछ. हेलो, I'm Rani. Hello. I'm from Morocco. I'm a big fan of Bollywood and I'm big fan of your songs, Shabirji. Your song is very nice. I love it. First of all, मैं हमद रियाम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे मौका दिया गाने के लिए इस लाइफ पे. तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा. तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा. तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे. तू रोता तू रो कितनी रोते जाओगी, सारे उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी. तू रोता तू रो. सो ये रानी जी, बहुत प्यारा गाया आपने रानी. I love you, Rani. Shabnam ka. God bless you. Acha. ये साहब इंडिया से है, आपके लिए गाना गाते हैं. अच्छा, नमस्कार. मेरा नाम नमस्कार प्रकाश है और मैं राजस्थान इंडिया से हूँ. मैं अच्छा कुमार सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके गाए हुए गाने मुझे बेहद पसंद है. मैं हमीद अल रियामी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, मुझे उन्होंने इस प्रकार गाने के लिए प्रोत्साहित किया. जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे. जब हम जवां होंगे. जी माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत हंसती थी वो, ऐसे चलती थी चांद के जैसे, छुपती और निकलती थी. ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी. ये माधव साहब इंडिया से. क्या बात है माधव साहब, बहुत खूब माधव जी, थैंक यू. हमारा और यहाँ इमारात के दुबई के है मोहम्मद, वो आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं. जी मोहम्मद साहब, जरूर सुनेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं को मोहम्मद बलूची. ये जो गाना है मैं मिस्टर शब्बीर कुमार जी के लिए गा रहा हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच मिस्टर हमीद रियामी. तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है. आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है. जन्मों का ये नाता है, ये नाता है. तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तुमसे मिलकर न जाने क्यों. हो बहुत खुश है मोहम्मद साहब से. शुक्रिया. यहाँ पर वही गाना इंडिया से सिमरन, वो गाना चाहती है आपके लिए. जी नमस्ते शब्बीर सर, नमस्ते हमद सर. माय नेम इज सिमरन राज एंड आई एम फ्रॉम इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो लकी कि आज मुझे शब्बीर सर के सामने गाने का मौका मिल रहा है. एंड इस मौके के लिए ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू हमद सर. एंड सर आपके गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं. एंड आपके सुपर हिट गानों में से एक गाना जो है, जो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, सो उसको मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी गाने की. सो हियर इट इज.
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा। और कुछ चार बाकी है वो आपको सुना दूं? जी जी ओके। ये नबील है मोरक्को से। नबील साहब अच्छा है। या अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं नबील हूँ, मैं मोरक्कन हूँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर हमद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो मुझे ये मौका दिया गाने के लिए आपके लिए मिस्टर शब्बीर कुमार। अ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर मोरक्कन फैंस। तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, आज कहीं तो जितना हम तुझे उतना प्यार करें, हर मौसम हमको तेरी यादों का मौसम लगता है, हर मौसम हमको तेरी यादों का मौसम लगता है, तुझको जितना प्यार करे उतना ही कम लगता है, ये प्यार ना होगा कम, आ जाए प्यार करे, तुझे इतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ये थे नबील मोरक्को से। नबील सर आपको जी। आखिरी तीन है मेरे साथ, यहाँ कोई इंडिया से है, आपको सुना चाहते हैं आपका एक बेहतरीन सॉन्ग। जी पेश कीजिए। हेलो सर, मैं शुभम सक्सेना, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और सबसे पहले मैं हमाद रहमी सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, जिन्होंने ये लवली अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं अपना एक सॉन्ग आपके सामने परफॉर्म कर सकूं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड ये शब्द सर आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, कई हैं आपके चाहने वाले। जी जी, हमारे आखिरी दो है, एक मस्कत ओमान से है जिहाद नाम के, वो आपके लिए एक गाना सुनाना चाहते हैं। जी आपका ही ये गाना। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر شبير كمار, a big fan of yours from Sultanate of Oman, Jihad al-Raisi. I would like to thank Mr. Ahmed for the support, for this opportunity. لاکھوں میں ہزاروں میں ایک تو نہ نظر لاکھوں میں ہزاروں میں
आया न कोई खबर क्या तूने भुला डाला क्या तूने भुला डाला अपने से दीवाने को मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को तेरी यादें मिटाने को तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को ये था बहुत अच्छा गया है और आखिरी में है वही मोरक्को से दूसरा अहमद नाम के वो आपके बहुत बड़े फैन हैं वहां पे अच्छा I'm sorry वालेकुम सलाम अगेन आई विल डू इट सॉरी Hi, Shabir Kumar ji. How are you? I am Ahmed, your very special fan from Morocco. I want to tell you that you are great, you are special, you are star, and you are legend. You have a lot of fans here in Morocco. They say salam to you, especially my friend Khalid Shukri from Marrakesh. I would like to thank Mr. Hamad Riyami because he gives me this chance to tell you that. And this is for you, Mr. Shabir Kumar. प्यार की कीमत किसने अदा की जब कभी होंगे बातें वफा की प्यार की कीमत किसने अदा की जब कभी होंगे बातें वफा की देगा मिसाल तेरे मेरी जमाना सबकी सुपा पर होंगे अपनी कहानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी अपनी कहानियां थैंक यू थैंक यू मेहरबानियां मेहरबानियां यही मेहरबानियां सब आपसे जुड़ना चाहते थे आप इसलिए गाना चाहते थे तो आपका क्या नजरिया है उनके तरफ शबीर साहब हमद साहब आपकी महफिल में मजा आ गया बस मुझे आपका महफिल में मजा आ गया और बस चाहने वालों के रूबरू होने का मौका मिला और अल्लाह चाहे तो फिर से दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे आपसे रूबरू होंगे इंशाल्लाह जी मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये लाइव सेशन आपके साथ किया मैं तो बहुत ज्यादा खुश जब होता हूँ जब मैं कोई लीजेंड जैसे आप लीजेंड से आपके साथ बातचीत होती है गुफ्तगू होती है और बहुत खुश किस्मत हूँ मैं कि आप लोगों के साथ जो बचपना मेरा गुजरा आपकी यादों के साथ आपके गानों के साथ और आप यहाँ रूबरू हो रहे मेरे साथ ये मेरी तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है ये मेरे लिए कोई छोटा अवार्ड नहीं है ये दिल से भी बड़ा अवार्ड है मेरे लिए जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्लाह खैर तो आप कुछ जाने से पहले कुछ बोलना चाहते हैं ऑडियंस को और कुछ ऐसा गुनगुना के आप जाना चाहते हैं यहाँ से आपकी जो इच्छा है आपकी मर्जी काबिल है तू
बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब. और आप जब यहाँ से जा रहे हैं, मैं वही बोलूंगा जो आप गाए थे एक गाना. जब भी मैं आपसे मिलने के बहाने ढूंढूंगा यही गाना गा के मैं आपको ढूंढूंगा. तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढू में बहाने, ओ माने मेरा दिल क्यों ना माने, ये तो मैं नहीं जानू मेरा रब जाने. थैंक यू सो मच शब्बीर साहब, थैंक यू सो मच, लव यू. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھنا اور سب کو میری طرف سے سلام دعا. السلام علیکم. السلام علیکم. Yeah, that's what Shabbir Kumar with us. A legend. When you have interview with legends, you can't feel yourself really. يعني انا ما حسيت بعمري, حسيت اني انا رجعت صغير مره ثانيه. میں ایسا لگ رہا کہ میں ابھی بچہ پھر سے بچہ ہو گیا ہوں, اور وہی زمانہ جو تھا بچپن کا وہ لوٹ آیا میرے پاس. سو میں بہت خوش گزار ہوں اور بہت خوش قسمت ہوں کہ میرا انٹرویو ہو گیا ہے شبیر صاحب کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہی ہوتا جائے گا. سو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اگلے ہفتے, کسی نہ کسی ساتھ ہم جڑ جائیں گے. الاسبوع الجاي راح يكون معنا ان شاء الله احد الممثلين يكون موجود معنا. Next week some of film stars will be with us, and please don't forget to follow me, and if you have any question, anything, you can comment. And I'm so sorry if I didn't take any questions of you or comments, because you know this live session was for singing, and for Arab people who are asking me for translation, this is a music, this is a song, and song and music don't have a language, specific language. The language of the music and the song, it is the song itself. فالترجمة للأغاني ما لها أي ترجمة. الأغنية بحد ذاتها هي لغة واحدة, لغة عالمية, فرجاء لا تسألون عن ترجمة. شكرا جزيلا. Thank you so much. الفداء. آپ کو دیکھیں گے إن شاء الله next week. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.